विधायक इरफान अंसारी ने खूंटी पुलिस द्वारा देर रात एक अल्पसंख्यक के घर में छापेमारी के दौरान एक वृद्ध की मौत हो जाने की घटना की कड़ी निंदा की है। उन्होंने खूंटी पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा किया है। विधायक इरफान अंसारी ने मुख्यमंत्री से दोषी पुलिसकर्मी पर कार्रवाई करने की मांग की है। विधायक ने कहा कि जिस प्रकार से खूंटी पुलिस ने प्रतिबंधित मांस बिक्री का आरोप लगाकर इजहार अंसारी को गिरफ्तार करने के लिए रात के 12 बजे घर के दरवाजे को तोड़कर महिला, बच्चे और बुजुर्ग के साथ दुर्व्यवहार, गाली गलौज एवं धक्का मुक्की की, इस धक्का मुक्की में बुजुर्ग पिता की मौत हो जाती है, ये सरासर गलत है जो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। विधायक इरफान अंसारी ने कहा कि अल्पसंख्यक पर पुलिस द्वारा टारगेट किया जा रहा है। विधायक ने पुलिस पर अल्पसंख्यक को टारगेट बनाने का आरोप लगाया है। दरअसल मामला ये है कि खूंटी में एक अल्पसंख्यक परिवार के घर पर देर रात खूंटी पुलिस द्वारा छापेमारी को अंजाम दिया गया, जिसमें एक वृद्ध की मौत हो गई। इस घटना को लेकर राजनीति गर्मा गई है। झारखंड में एक बार फिर विचलित करने वाली एक घटना घटी है। देर रात खूंटी पुलिस ने एक इजराइल अंसारी नाम के युवक के घर 12 बजे रात पर गोमांस बेचने का आरोप लगाकर उसे घर घुसती है। उसे घर में घुसकर घर तहस नहस करके वाइफ के साथ दुर्व्यवहार, पत्नी के साथ दुर्व्यवहार, माँ के साथ दुर्व्यवहार, उसकी बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार, बाल बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करती है, सामान फेंक देती है। उसके पिताजी को बुरी तरह से मारा जाता है और वो मौके पर ही उनकी निधन हो जाती है। तो मैं पूछना चाहता हूँ खूंटी के पुलिस के पदाधिकारियों से, गोमांस का आरोप लगाकर आपने रात में 12 बजे आप क्यों गए? जाना था दिन में चले जाते, बुला लेते, पकड़ लेते उसको, लेकिन रात में जाकर आपने जिस तरह की घटना को अंजाम दिया है वो सब समाज में है। मैं इसकी याद नहीं देता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ अल्पसंख्यक होना पाप नहीं है, गरीब जरूर है लेकिन सम्मान के साथ जीता है। लेकिन गोमांस बेचने का आरोप लगाकर उसके परिवार के साथ जिस तरह का बर्बरता सलूक किया है पुलिस ने, मैं इसकी निंदा करता हूँ। और मैं झारखंड के मुख्यमंत्री जी आदरणीय हेमंत जी से मैं मांग करता हूँ कि इस मामले को संज्ञान में लीजिए और ऐसे पुलिसकर्मी और ऐसे पदाधिकारियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई के तहत इन्हें नौकरी से बर्खास्त कीजिए। अल्पसंख्यक होना गुनाह नहीं है। मैं हर मामले में देखता हूँ कि अल्पसंख्यक को टारगेट कर रही है पुलिस। क्यों, क्या दुश्मनी है अल्पसंख्यक से आपको? अल्पसंख्यक होना पाप है क्या? इसलिए मैं फिर से मैं सरकार से मांग करता हूँ कि सरकार इस मामले को संज्ञान में ले और उस परिवार को इंसाफ दिलाने का काम करें। मैं भी उस परिवार से मिलने जाऊँगा और निश्चित तौर पर अब हमें लगता है कि नहीं, अब पुलिस के खिलाफ आंदोलन करने की। झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड टाइम्स टॉप लाइव को लाइक करें। साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।